तमाम शराइत पूरी करने के हुकूमती दावों के बावजूद आलमी मालियाती इदारे IMF ने पाकिस्तान के लिए बेल आउट पैकेज की बाजाबता मंजूरी का कोई इंदिया नहीं दिया। हुकूमत और IMF के दरमियान $7 अरब के कर्ज प्रोग्राम की बहाली के लिए मुजाकरात के कई दौर हो चुके हैं। माहिरीन ताज्जुब का इजहार कर रहे हैं कि तमाम शराइत पूरी करने के बावजूद पाकिस्तान को कर्ज की किस्त मिलने में ताखिर क्यों हो रही है। हालिया अरसे में हुकूमती रहनुमाओं ने IMF प्रोग्राम के हवाले से बाज़ बयान दिए जिनमें मालियाती इदारे को वजाहत जारी करना पड़ी। इनमें कम आमदनी वाले तबके को ईंधन पर सब्सिडी फराहम करने के फैसले, इंतखाबी अमल के हवाले से फंड्स की फराहमी को IMF से जोड़ना और प्रोग्राम की बहाली के लिए एटमी प्रोग्राम से मुतालिक शराइत की कयास आराइयां शामिल हैं। मुबस्सरीन का कहना है कि IMF प्रोग्राम की बहाली में ताखीर की एक वजह आलमी मालियाती इदारे से मुतालिक वुज़रा के बयान भी हो सकते हैं। ख्याल रहे कि पाकिस्तान के IMF के साथ कर्ज प्रोग्राम की बहाली के लिए गुज़िश्ता कई माह से मुज़ाकरात जारी हैं। हाल ही में IMF ने खित्ते के दो दीगर ममालिक बांग्लादेश और श्रीलंका के लिए प्रोग्रामों की मंजूरी का ऐलान किया है। पाकिस्तान के लिए IMF का हालिया प्रोग्राम गुज़िश्ता साल सितम्बर में मुअत्तल हो गया था, जिसकी वजह पाकिस्तान की जानिब से इस प्रोग्राम से मुंसलिक शराइत पर अमल दरामद न करने को करार दिया गया। हुकूमत को एक तरफ IMF की शराइत पर अमल दरामद के नतीजे में अवामी नाराजगी और महंगाई जैसे मसाइल का सामना है जो कि तारीख की बुलंद सतह पर पहुंच चुकी है। दूसरी तरफ मुल्क के लिए IMF की शराइत पर अमल दरामद न करने की सूरत में बैरूनी फाइनेंसिंग के जराए ना खुलने से मुल्क के जर मुबादला के जखायर गिरते जा रहे हैं और इस वक्त कम तरीन सतह पर हैं। तजिया निगार फरूख सलीम कहते हैं कि IMF प्रोग्राम दो मराहिल में मुकम्मल होता है, एक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट और दूसरा एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी। उनका कहना था कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के कवायद और कवानीन किताब में तहरीर हैं और इनके तजर्बे के मुताबिक IMF इन कवायद के मुताबिक ही चलता है। ताहम वो कहते हैं कि एग्जीक्यूटिव बोर्ड में सियासी मामलात का भी अमल दखल होता है। वो कहते हैं कि हुकूमत की स्टाफ लेवल की अभी तक की बातचीत में ना तो एटमी प्रोग्राम की बात की गई और ना ही इंतखाबात का जिक्र आया। फर्रुख सलीम के बकौल वजीर खजाना इसहाक डार आलमी मालियाती इदारे के दायरा कार और मिजाज को जानते हैं, तो समझ नहीं आई कि उन्होंने एटमी प्रोग्राम की बात को IMF के साथ क्यों जोड़ने की कोशिश की। साबिक वजीर खजाना सलमान शाह कहते हैं कि हुकूमती वुज़रा के IMF से मुतालिक बयान जिम्मेदाराना नहीं हैं, वो भी ऐसे हालात में जब मुल्क खराब मुआशी सूरत हाल से दो चार है, इस किस्म के बयान मुनासिब नहीं हैं। उनका कहना था कि हुकूमती तर्जुमान ये बयान खुद से बोझ हटाने के लिए दे रहे हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि IMF की शराइत पर अमल करने की वजह से इन्हें सियासी नुकसान हो रहा है। वो कहते हैं इंतखाबात करीब होने की वजह से इक्तिसादी अमूर पर हुकूमत तवज्जो नहीं दे रही और ऐसा लगता है कि हुकूमत अब IMF प्रोग्राम की बहाली में संजीदा नहीं रही। फरूख सलीम ने कहा कि ऐसा लगता है कि हुकूमत कलील वक्ती सोच के तहत मामलात को चलाना चाहती है और इन्हें लगता है कि जून तक IMF के बगैर भी माली ज़रूरियात पूरी हो जाएंगी, लेकिन ये वक्ती हिकमत अमली है और जून के बाद भी IMF के पास जाना होगा। सलमान शाह कहते हैं कि आलमी मालियाती इदारे के साथ एक साल से मुज़ाकरात चल रहे हैं और हुकूमत को मालूम है कि IMF प्रोग्राम की बहाली के लिए क्या इकदामात करने हैं। वो कहते हैं कि हुकूमत ने IMF की शराइत पर काफ़ी अमल दरामद कर लिया है, लेकिन जो चंद उसूली इकदामात रहते हैं इन्हें भी मुकम्मल करना होगा। सलमान शाह कहते हैं कि IMF भी पाकिस्तान के कर्ज प्रोग्राम की बहाली में ताखीर से काम ले रहा है क्योंकि इन्हें लगता है कि हुकूमत तजवीज़ कुनंदा इकदामात पर अमल दरामद में संजीदा नहीं है। उनके बकौल IMF मुल्क में सियासी इस्तेहकाम चाहता है क्योंकि इन्हें लगता है कि जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा माशी इस्लाहात का प्रोग्राम कामयाब नहीं होगा। YouTube पर Google News देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Google News TV टाइप करें। Google News के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।